आज जो हम दिखाना चाहते हैं, यह दारागंज का क्षेत्र है, बांध का, बक्सी बांध के पास का क्षेत्र है। और यहाँ पर यह स्मार्ट प्रयागराज की तरह यहाँ पर काफ़ी अच्छी सड़कें बनी हुई थी, और सड़क से चौड़ी सड़क है, करीब 40 फीट की चौड़ी सड़क है, बांध जैसा सौंदर्यीकरण है, और इसी से सटा हुआ ये मकान भी बन रहे हैं। लेकिन सबसे शोचनीय जो सवाल है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो सबसे बड़ा सवाल ये दिखाना चाहता हूँ कि अभी बाढ़ से यहाँ मुक्ति नहीं मिली है, अभी बाढ़ का पानी ही कम हुआ है, लेकिन निर्माण कार्य अब भी चल रहा है। लोग घर बनाने की इतनी लालसा है, दिक्कत है, 5 से 7 दिन 8 दिन घरों के अंदर कैद रहे, आवागमन बंद रहा, मूलभूत सुविधाओं से भी लगभग वंचित रहे, लेकिन निर्माण कार्य जो है वो भी जोर पर है। आप देख सकते हैं मेरे सामने है, लोग घर बना रहे हैं। स्थानीय लोगों का यहाँ मांग है कि यहाँ पर बांध बनाया जाए। अभी सड़क बनी है, पहले इनका स्थान का कहना है कि हमारे घर ऊंची पर थे, ऊंचाई पर थे, लेकिन अब जो है हमारे घर सड़क बनने की वजह से गंगा जी के लेवल के बराबर आ गए हैं। लेकिन समस्या सिर्फ ये है कि क्या निर्माण विभाग की एजेंसियाँ हैं, यहाँ PDA है, नगर निगम है, जिला प्रशासन है, और ये गंगा जी से सटे हुए निर्माण कार्य हुए हैं, अगर हुए हैं तो इस पर नियंत्रण, इनकी रक्षा सुरक्षा, और अगर गलत निर्माण हुए हैं तो भी इनकी जिम्मेदारी तय होती है, ये जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। लेकिन इस जिम्मेदारी को जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कभी निभाया नहीं गया, जिसका खामियाजा ये होता है कि जब जल स्तर बढ़ता है, खतरे के निशान के पास ही पहुँचता है, और जब खतरे के निशान से 1-2 मीटर के ऊपर पहुँचता है तो यहाँ की स्थिति भयावह हो जाती है। NBT ऑनलाइन के लिए कैमरामैन संजीव कुमार के साथ शिवपूजन सिंह, धन्यवाद।